क्यों जरूरी होता है अभिनय? एसएस राजा मौली क्यों मानते हैं कि युद्ध पर बनी फिल्में एक सदा डिमांड में रहने वाला विषय है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। युद्ध पर बनी फिल्में मल्टी स्टार होती हैं, जबकि इन दिनों बन रही फिल्में उन युद्ध में शामिल हुए जवानों और उन योद्धाओं पर बन रही हैं जिन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया। एसएस राजा मौली का कहना है, कई बार इन फिल्मों में हीरो की स्क्रीन टाइमिंग को लेकर ख्याल आता है कि जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं या वैसा पहनावा और मेकअप में आते हैं तो एक बार हम खुद भी अचंभित हो जाते हैं कि क्या वाकई हम एक ऐसे इंसान को जीवित कर पाएंगे जिसे हमने देखा ही नहीं, बस महसूस किया है। हालांकि जब फिल्म व्यक्ति विशेष पर होती है तो अभिनय देखने का मौका ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देश प्रेम आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप यहाँ एक्टिंग करने आए हैं। इसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि उस किरदार को जीना पड़ता है, और जब इस पर उंगलियाँ उठने लगती हैं तो वो असफल हो जाते हैं। इन इंसान और क्रिटिक्स उसी फिल्म को गिराने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई बात हो, और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी फिल्में बना पा रहा हूँ। आपको बता दें कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में निर्माताओं के लिए एक सदाबहार विषय है। पिछली सदी के 9वें दशक से पहले ज़्यादातर निर्माता अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए संघर्षों पर फिल्में बनाते थे, लेकिन ये दौर अब फिर से लौट आया है। आज़ादी के बाद भारत को 3-3 युद्ध लड़ने पड़े थे, जिनमें मातृभूमि के लिए सब कुछ समर्पित कर देने वाले तमाम नायकों की कहानियां सामने आई। गिरीश जौहर का कहना है कि युद्ध की पृष्ठभूमि वाली फिल्मों में फिल्मकारों को एक्शन, ड्रामा और इमोशन सब कुछ एक ही साथ फिल्म में ही मिल जाता है। ये सब एक अच्छी फिल्म के लिए ज़रूरी होता है, और ऐसी फिल्मों से दर्शकों का भावनात्मक लगाव भी होता है। चलिए फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीषा जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।